वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में एरिया ऑफ अ माइनर सेक्ट ऑफ अ सर्किल इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर क्या दिया हमको, एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर जिसका वैल्यू है 3.85 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल 36 डिग्री। सेंट्रल एंगल का वैल्यू हमको 36 डिग्री गिवन है। हमको फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ अ सर्किल। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, रेडियस ऑफ अ सर्किल। सो सबसे पहले जो गिवन है वो मेंशन कर लेते हैं। इसमें हमको सेंट्रल एंगल गिवन है, दैट मींस थीटा, जिसका वैल्यू है 36 डिग्री एंड एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर गिवन है 3.85। एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर इट इज इक्वल टू 3.85। इसका वैल्यू हमको गिवन है 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास, एरिया ऑफ अ सेक्टर और एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर, इन दोनों के फॉर्मूले सेम ही है। इट इज थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, इट इज 3.85। अब देखिए इस फॉर्मूले में हमको थीटा एंड रेडियस रिक्वायर्ड है एंड पाई तो कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू आइदर वी कैन यूज 22/7 या फिर 3.14। सो सेंट्रल एंगल का वैल्यू हमको गिवन है और फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ अ सर्किल। हमको फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ अ सर्किल। रेडियस दैट मीन्स इसके अंदर आर जो दिख रहा है हमको, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो ये जो वैल्यूज अवेलेबल है उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो थीटा के प्लेस पे 36 डिग्री लिख दिए, डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू पाई के प्लेस पे हम 22/7 लिख रहे हैं इनटू आर का स्क्वायर। देखिए इसमें रेडियस अननोन है, सो आर का स्क्वायर ऐसे ही रह गए, इक्वल टू 3.85। अब इसमें अगर कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो हमको कैंसिल आउट करना है। कैंसिलेशन हो रहा है, देखिए 36 का 10 टाइम्स करेंगे तो वी गेट 360। 36 का 10 टाइम्स करने पे हमको 360 डिग्री मिलता है। बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स है एक्सेप्ट दिस आर स्क्वायर, वो सबको क्या करेंगे हम लोग अभी राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। सो दिस आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, ऑलरेडी राइट साइड में प्रेजेंट है 3.85 इनटू दिस 10 राइट साइड में गया और ये 7 राइट साइड में गया, तो न्यूमरेटर में आएंगे दोनों। लेफ्ट से जब राइट में टर्म जाएंगे तो डिनोमिनेटर वाला टर्म न्यूमरेटर में आएगा, न्यूमरेटर का टर्म डिनोमिनेटर में, तो यहां पे न्यूमरेटर में है 22, ये राइट साइड में चला गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हमको, सो 10 इंटू, और एक और चीज हम इसमें कैंसिल कर सकते हैं मिनिमाइज करना है तो, इसको 2 से कट करेंगे 2 5 और इसको 2 से कट किए तो 11। सो न्यूमरेटर में आ गया है 3.85 इंटू 5 इंटू 7, 3.85 इंटू 5 इंटू 7 इज 35 डिवाइड बाय 11 है। देखिए 11 से ये 3.85 को हम डिवाइड कर सकते हैं। जब 11 से 3.85 को कैंसिल करेंगे, 11 पहले तो ये छोटा है तो 0 पॉइंट ले लिए, 11 3 जा 33,
33 और ये 38 है, कितना बच गया? 5 बच गया, तो 5 एंड 5 50 5 हो गया, सो 11 5 है, दैट मींस ये आ गया 0.35 एंड इनटू 35 है, सो 0.35 इनटू 35। अब देखिए 0.35 को हम लोग लिख सकते हैं 35 अपॉन 100, और ऑलरेडी न्यूमरेटर में एक 35 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। अब हमको आर स्क्वायर का वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, सो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट में जो आर स्क्वायर है इसका स्क्वायर डिसअपियर हो जाएगा और बचेगा सिर्फ आर, तो इट इज आर इक्वल टू, अब देखिए जो डबल है 35 35, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 35 होगा एंड डिनोमिनेटर में 100 है, सो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, सो आर इज इक्वल टू 35 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3.5। 10 से डिवाइड करने का मतलब है एक डिजिट पे डेसिमल पॉइंट प्लेस करना, उसके अकॉर्डिंग टू 35 अपॉन 10 हो गया 3.5। अब देखिए रेडियस का यूनिट हमको लिखना है, यहां पर एरिया ऑफ अ सेक्टर में यूनिट हमको दिया हुआ था सेंटीमीटर स्क्वायर, सो रेडियस का हम यूनिट यूज करेंगे सेंटीमीटर, सो रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अरे मोटो, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों हमारे यूट्यूब पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे हर वीडियो की सूचना मिले।